हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं जेई एमसीक्यू मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म ए ऑप्शन ए क्लोज सिस्टम, बी ओपन सिस्टम, सी आइसोलेटेड सिस्टम एंड डी हेटरोजीनियस सिस्टम। मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर क्या फॉर्म करता है, क्या बनाता है, ठीक है, किसका फॉर्मेशन होता है, कौन से सिस्टम का फॉर्मेशन होता है मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है एसएससी जेई 2010 में पूछा गया थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स से ये एसएससी जेई 2010 में पूछा गया था। तो आइस एंड वाटर का मिक्सर क्या फॉर्म करता है, कौन सा सिस्टम फॉर्म करता है, तो देखते हैं कि मिक्सर ऑफ आइस एंड वाटर ये क्या सिस्टम फॉर्म करता है। तो हमने एक आइस कंसिडर किया है, ये आइस हमारा है एंड ये वाटर है हमारा, जो आइस एंड वाटर का मिक्सर है, ये हमारा वाटर है और एक क्यूब की जो हमने ड्रॉ की है वह है आइस। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें हमारा जो फेज कितना है, इस मिक्सचर में फेज कितना है, आइस हमारा वन फेज हो गया एंड अनदर जो हो गया वाटर, यानी कि वन प्लस वन, इस केस में हमारे टू फेज हैं, ठीक है, ये हमारा टू फेज है आइस एंड वाटर। आइस हमारा वन फेज हो गया एंड वाटर जो हमारा वन फेज हो गया, तो ये हमारा टू फेज हुआ, ठीक है। इसे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो हमारा आइस का फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है एंड वाटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ठीक है। कैसे डिफरेंट, कि आइस के मॉलिक्यूल सटे सटे हैं होते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, तो केमिकल कंपोजिशन फॉर आइस, केमिकल कंपोजिशन फॉर आइस होता है जो H2O, ठीक है, एंड केमिकल कंपोजिशन फॉर वाटर ये भी होता है H2O। तो केमिकल कंपोजिशन इन केस ऑफ आइस एंड वाटर जो मिक्सर है, इन दोनों केसेस में सेम होता है, ठीक है। ये हमें क्या बता रहा है कि केमिकल कंपोजिशन सेम है। तो फेज हमारा जो है मोर देन वन है और केमिकल कंपोजिशन जिसमें हमारा सेम है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेटरोजीनियस सिस्टम। उस मिक्सर को हम लोग क्या कहेंगे, हेटरोजीनियस सिस्टम, वह हमारा हेटरोजीनियस सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा हेटरोजीनियस सिस्टम के बारे में थोड़ा डीपली से जान लीजिए कि हेटरोजीनियस सिस्टम क्या होता है, ए सिस्टम कंसिस्टिंग मोर देन वन फेज। इसे डिफाइन कर सकते हैं नॉर्मली कि ए सिस्टम कंसिस्टिंग मोर देन वन फेज इज कॉल्ड हेटरोजीनियस सिस्टम। और इसे हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सिस्टम विच केमिकल कंपोजिशन आर सेम, विच केमिकल कंपोजिशन आर सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, तो वह हमारा सिस्टम कहलाता है हाइड्रोजीनियस सिस्टम। सिस्टम विच केमिकल कंपोजिशन आर सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इज हाइड्रोजीनियस सिस्टम। तो क्वेश्चन में हमारा जो पूछा है, देखिए यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन हमने सेम है ये भी निकाल दिया है और इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वह है डिफरेंट, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन देखिए यहाँ पे मोर देन, सॉरी, केमिकल कंपोजिशन सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी मोर देन वन फेज, यानी कि फेज जो हमारा है एक से अधिक है और ये केमिकल कंपोजिशन हमारा भी जो सेम है, तो इस केस में हमारा जो सिस्टम हो जाएगा वह होगा हेटरोजीनियस सिस्टम। तो क्वेश्चन में जो पूछा है मिक्सर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म है ऑप्शन डी हेटरोजीनियस सिस्टम, ठीक है, मिक्सर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म है आंसर ऑप्शन डी हेटरोजीनियस सिस्टम। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज, थैंक फॉर वॉचिंग।